मैं साइरस पूनावाला बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसको दुनिया में वैक्सीन किंग के नाम से जाना जाता है, और मुझे ये नाम कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे बिल गेट्स ने दिया। मैं ही हूँ जिसने भारत और दुनिया को कोरोना की वैक्सीन बनाकर दी। मेरा पूरा नाम डॉक्टर साइरस एस पूनावाला है। मेरा नाम अक्सर आपको फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में दिख जाएगा। मैं भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट में एक समय चौथे नंबर पर रह चुका हूँ। मैं ही हूँ जिसकी कंपनी में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई जाती है, जिसे अपने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई लोगों को भयंकर महामारी कोरोना से लड़ने के लिए हिम्मत प्रदान की है। मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का संस्थापक हूँ। मैंने ही देश की सबसे बड़ी सीरम कंपनी की नींव रखी और देश के सबसे सफल व्यवसायी में से एक होने का खिताब अपने नाम किया। आज भले ही मैं काफी अमीर और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मालिक हूँ, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मेरा हर एक काम फ्लॉप हो रहा था, लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। आज यहाँ मैं मेरे जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति घोड़ों की रेस लगाते लगाते भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण कंपनी का मालिक बन गया। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने 750 करोड़ रुपए देकर एक घर खरीदा, लेकिन मैं उसमें नहीं रह सकता, आखिर क्यों, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 1941 को पुणे के रहने वाले एक फारसी परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता सोली ए पूनावाला और माता गुल पूनावाला उस समय घोड़ों का व्यापार करते थे। मेरे जन्म के बाद मेरे पिता ने मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी। मुझे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। उनका यह सपना आज पूरा हुआ है। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है। मैं काफी खुश मिजाज किस्म का व्यक्ति हूँ। एक इंटरव्यू में मैंने कहा भी है कि मैं जब भी अपने फैमिली के साथ होता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ। मेरी पत्नी का नाम विल्लो पूनावाला था। उनका 2010 में निधन हो गया। अपनी पत्नी के देहांत के बाद मैं काफी टूट सा गया, लेकिन मैंने लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ा। अपनी पत्नी के नाम पर मैंने एक फाउंडेशन बना रखा है जो गरीब देशों, गरीब लोगों एवं गरीबों को मुफ्त में टीकाकरण एवं रोग निवारक दवाएं प्रोवाइड करवाती है। मेरी उम्र ज्यादा हो जाने के कारण अब मैं अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे आदर पूनावाला के ऊपर डाल दी है, जिससे अब मेरा बेटा आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ पद पर आसीन हो गया है। मेरे बेटे की पत्नी का नाम नताशा पूनावाला है, जो कि बेहद ग्लैमरस है, और आपने उनको कहीं फैशन शूट वगैरह पर देखा भी होगा। अब मैं आपको वापस मेरे शुरुआती जीवन पर लेकर जाता हूँ। अब मैं आपको मेरी शिक्षा के बारे में बताता हूँ। मेरे जीवन में पैसों की कभी कमी नहीं रही। मैं अच्छी पढ़ाई करने में सक्षम था। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई द बिशप स्कूल पुणे से की, और आगे कॉलेज की पढ़ाई बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से करने के बाद मैंने अपने घोड़ों के व्यापार यानी स्टड फार्म को आगे बढ़ाने का विचार किया। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने अपने पिता के घोड़ों के व्यापार को आगे बढ़ाने का सोचा, लेकिन मैं जितनी तेजी से पैसा चाहता था उतनी तेजी से ना तो पैसा आ रहा था और ना ही मुझे इस व्यापार में अपना फ्यूचर नजर आया, क्योंकि उस टाइम घोड़ों की रेस का जमाना मानो खत्म सा हो गया था। मैंने कार का बिजनेस शुरू किया और अपने दोस्त के साथ मिलकर $120 में एक गाड़ी तैयार की, लेकिन ये मेरा प्लान भी फेल हो गया। मुझे आगे बढ़ना था और लोगों को कुछ ऐसा देना था जिससे लोगों की मदद हो और मैं भी अच्छा पैसा कमाऊं। मुझे किसी ने बताया कि घोड़ों के सीरम से दवाई बनाई जाती है। ऐसे में मैंने अपने पास मौजूद घोड़ों के सीरम से दवा बनाने पर विचार किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। उस समय महाराष्ट्र के हॉफकिन इंस्टीट्यूट द्वारा वैक्सीन बनाई जाती थी, लेकिन वो काफी महंगी थी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं सस्ती और अच्छी वैक्सीन बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों का फायदा भी होगा और मुझे भी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। 1966 तक मैंने वैक्सीन की पूरी जानकारी जुटा ली। अब इसे अप्लाई करने का समय था। मैंने महाराष्ट्र के हॉफकिन इंस्टीट्यूट से 10 साइंटिस्ट और डॉक्टर को हायर किया और उन्होंने वैक्सीन निर्माण करना शुरू किया। ये वो समय था जब बहुत नॉर्मल दवा का निर्माण करते थे। हमने खूब मेहनत करी और पहली बार टिटनेस वैक्सीन का निर्माण किया। हमारा प्रयोग सफल हुआ और हमने वो खोज निकाला जिसकी बहुत ज्यादा भारत को और अन्य देश को जरूरत थी। सरकार ने भी साथ दिया और सरकारी अस्पतालों में इसे वितरण करने की उस समय की योजना सीरम इंस्टीट्यूट के लिए वक्त बदलने वाली साबित हुई। जब मेरी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने टिटनेस का निर्माण किया, उसके बाद तत्कालीन सरकार ने मेरी मदद करी
और देश विदेश में टिटनेस को निर्यात करने की आजादी दी। उस समय इस वैक्सीन की बहुत अधिक जरूरत थी और इसी जरूरत को बहुत सस्ते दाम पर मैंने बनाकर देने का काम किया। उसके बाद हमने सांप के जहर को खत्म करने वाला टीका, डिप्थीरिया, टिटनेस, डीपीटी के टीके, बीसीजी के टीके, मीजल्स, पंप और एमएमआर के टीके, रोटा वायरस के टीके इत्यादि का निर्माण किया। आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों की दवा बनाने वाली कंपनियों में सबसे पहले नंबर पर आता है। आपको बचपन से जो भी टीके लग रहे हैं उन सभी का निर्माण मेरी ही कंपनी में होता है। मेरी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल $295 मिलियन का लाभ कमाती है और COVID-19 के दौरान सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट थी। मैंने सस्ती वैक्सीन निर्माण करके देश और विदेश में अपना नाम कमाया। अगर मेरी उपलब्धियों की बात करें तो 2005 में भारत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड पद्मश्री दिया गया। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। विदेशों में मुझे हमेशा वैक्सीन किंग के नाम से जाना जाता है। मुझे नाम बिल गेट्स ने दिया। उसके बाद से आज तक लोग मुझे वैक्सीन किंग के नाम से पहचानते हैं। इतना ही नहीं, मैं दुनिया के 100 अमीर व्यक्तियों में भी शामिल हूँ। आपको जानकर गर्व होगा कि COVID-19 की वैक्सीन का निर्माण भी मेरी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही किया। कोविशील्ड का निर्माण करके हमने साबित कर दिया कि हम भारत को किसी भी रोग से बचाने में सक्षम है। अब बात करते हैं, मैंने एक घर खरीदा जिसके लिए मैंने 750 करोड़ रुपए दिए, लेकिन मैं उसमें रह नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों? उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जरा सोचिए कि आपने अपने सपनों का घर खरीदा लेकिन आपको उसमें रहने की इजाजत नहीं मिल रही है, आपको उस वक्त कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। 8 सालों से मैं अपने लग्जरी घर में रहने का इंतजार कर रहा हूँ। जिस घर को मैंने 750 करोड़ में साल 2015 में खरीदा, आज तक उसमें रहने की इजाजत मुझे नहीं मिली। अब इस बात को लेकर मैंने अभी हाल ही में अपनी नाराजगी फिर से जाहिर की है। 2015 में मुंबई स्थित लिंकन हाउस को खरीदा, लेकिन जमीन की मालिकाना हक के विवाद के कारण सरकार ने उस घर पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस अस्थायी रोक के कारण मैं लिंक हाउस की पूरी कीमत चुकाने के बाद भी उस घर में नहीं रह पा रहा। अब इस बात से मेरी नाराजगी झलक रही है, मैंने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मैंने जो महल खरीदा उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद है, जिसके कारण मुझे उस घर में रहने की इजाजत नहीं मिल रही। डील पर रोक लगा दी गई है। मैं उस महल में रहने के लिए 8 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग से बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा कि सरकार नहीं चाहती कि महल की खरीदारी हो और इसके लिए चुकाई गई भारी कीमत अमेरिका के पास चली जाए। जमीन का असली मालिक कौन है, इसे लेकर विवाद सुलझा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और रक्षा मंत्रालय दोनों ही इस जमीन पर दावा कर रही हैं। उधर अमेरिका भी इसे लेकर अपने दावे कर रहा है। अगर मैं इस महल की बात करूं तो मुंबई के ब्रिज कैंडी इलाके में लिंकन हाउस बेहद खास है। करीब 2 एकड़ में यह हाउस फैला है। यह हाउस किसी महल से कम नहीं। करीब 50 सालों तक यह हाउस अमेरिकी सरकार की संपत्ति थी। इस जमीन पर बना लिंकन हाउस काफी लंबे वक्त तक अमेरिका का वाणिज्य दूतावास रहा। साल 2015 में मैंने इसे $120 मिलियन में खरीदा। साल 2015 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 64 से 65 रुपए थी, जिसके हिसाब से कैलकुलेट करने पर लिंकन हाउस की कीमत भारतीय करेंसी में 750 करोड़ हो गई। आज इस हाउस की कीमत है 987 करोड़ से अधिक। मैंने 750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया था। अगर इसके इतिहास की बात करें तो साल 1938 में बीकानेर के महाराजा ने लिंकन हाउस का निर्माण करवाया। साल 1957 में इसे अमेरिकी सरकार ने किराए पर लिया। ये लीज 999 सालों के लिए थी। वहां अमेरिका ने अपना वाणिज्य दूतावास खोला, लेकिन बाद में उनका दूतावास शिफ्ट हो गया, जिसके बाद उन्होंने लिंकन हाउस को बेचने का फैसला किया। साल 2015 में मैंने इसे 750 करोड़ रुपए में अमेरिका से खरीदा, लेकिन अब तक मैं इस घर में रहने के लिए इंतजार कर रहा हूं। हो सकता है मेरी उम्र पूरी ही इस इंतजार में निकल जाए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आगे बात करें तो परोपकारिता के क्षेत्र में भी मैं हमेशा काफी सक्रिय रहा हूं। और जैसा कि मैंने बताया, मैंने अपनी पत्नी के नाम से एक फाउंडेशन की स्थापना कर रखी है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उनके द्वारा स्थापित ये संस्था गरीब देशों, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में टीकाकरण एवं रोग निवारक दवाइयां उपलब्ध करवाती है। मई 2019 में मैंने नाउम कोइन के साथ साझेदारी में यूक्रेन में मुफ्त टीकाकरण के लिए खसरे के टीके की 1 लाख खुराक की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया।
इसके अलावा मेरी कंपनी ने पूरी दुनिया को सस्ते दामों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में साइरस पूनावाला के जीवन के बारे में बताया, उन्होंने कैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की एवं कैसे उन्होंने आज हमें किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति दी है। कभी कभी सोचते हैं अगर ये ना होते तो हम आज से बहुत साल पहले कोविड-19 जैसी गंभीर रोगों से जकड़े रहते। हमें इनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि इन्होंने सस्ते दाम पर हमें अनेक वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिसकी मदद से आज हम अपना जीवन सही ढंग से यापन कर पा रहे हैं। उनको दिल से धन्यवाद देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।